देवघर जिला भाजपा अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता के नेतृत्व में देवघर के सर्किट हाउस एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह संस्थाल परगना प्रभारी प्रदीप वर्मा, झारखंड सरकार के श्रम मंत्री राज पलिवार, देवघर विधायक नारायण दास शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से पत्रकारों को बताया गया कि आगामी 24 तारीख को देवघर के आर मित्रा हाई स्कूल में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा चलाया जा रहा जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को संबोधित भी किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। देश की सरकार ने जो ऐतिहासिक विकास किया है, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो विकास किया गया है, जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं, और उसी आलोक में आज हम सबों के बीच प्रदीप वर्मा जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और ये झारखंड सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राज पलिवार जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो देवघर की धरती, जो बाबा वैद्यनाथ की धरती है, मुख्यमंत्री जोहार जन आशीर्वाद कार्यक्रम का समापन यही है। के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के द्वारा जोहार जन यात्रा का शुरुआत 18 तारीख को जामताड़ा से शुरू हुआ था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे। वो पूरे संथाल परगना परमंडल में घूमते हुए 24 तारीख को हमारे देवघर जिला में जोहार जन यात्रा का समापन है, जो आर मित्रा हाई स्कूल के मैदान में होगा। समापन भव्य रूप से कैसे हो, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। अभी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संथाल परगना के प्रभारी प्रदीप वर्मा जी आए थे। प्रभारी भैया प्रदीप वर्मा जी, माननीय मंत्री राजपलिवार जी, हमारे विधायक नारायण दास जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी, कोर कमेटी के सदस्य और मंच मोर्चा के अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आए। और इसमें हुआ कि कैसे हम लोग भव्य तरीके से समापन समारोह करें। हम चूँकि महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, हमें जवाबदेही दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में पुष्प वर्षा करने के लिए, और हम महिलाओं में अति उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री का जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देवघर में 24 को समापन हो रहा, उसी को भव्य रूप देने के लिए आज हमारे माननीय मंत्री श्री राज पलिवार जी, माननीय विधायक श्री नारायण दास जी और सभी हम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए थे। और किस तरह यह सफल कार्यक्रम हम लोग कर पाए, इसी का हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, इसी अभियान के तहत आज हम लोग की बैठक थी। अविनाश वर्मा के साथ अजीत संतोषी की रिपोर्ट।